बताइए सर, चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा दूं कि इस 10 की कमाई में चलेगा, ये बताइए पहले तो ये बताइए। दोनों में 10 की कमाई में चलेगा, 10 की कमाई में चलिए, 10 की कमाई में भी आप अच्छा कॉल देते ही हैं। अनिल जी, स्टॉक का नाम है पीडी लाइट और इसको जरूर बाय करना चाहिए और इसका एक रीजन है, एंटायर एफएमसीजी पैक में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, यहाँ पर भी बहुत लोगों की सेल कॉल्स आई थी, स्टॉक ने बिल्कुल भी गिरावट नहीं बनाई, इनफैक्ट हल्की सी करेक्शन पे 1100 पे एक अच्छा बेस बनाया और टेक्निकली अगर आप देखो तो नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है और काफी स्ट्रांग सपोर्ट बना है 1100 के ऊपर। मेरे को लगता है कि इसको 1100 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करना चाहिए और काफी बड़े अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 1200-1210 के लेवल्स तक की रैली पीडी लाइट में देखने को मिल सकती है, एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है, बाय करके चलना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, पिछले दो हफ्तों में लगातार स्टॉक ने नीचे के लेवल्स दिखाए लेकिन हर हफ्ते ये ऊपर आकर के बंद हुआ, तो जो भी काउंटर इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाता है उससे बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पीडी लाइट का करेक्शन अब पूरा हो चुका है और इसमें बड़ी तेजी बनेगी, 1180 पहला टारगेट होना चाहिए, उन लेवल्स के लिए इसको खरीदें और स्टॉप लॉस 1100 का जो राकेश जी ने बताया वहां स्टॉप लॉस रखें, 1180 पहला टारगेट, 1210 दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है एक बेहतरीन स्टॉक, फंडामेंटल तो मजबूत है ही, पीडी लाइट में कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन इस लेवल पे फंडामेंटली खरीद लें क्या, ये पूछ लेते हैं अविनाश जी से। और साथ ही अविनाश जी, आपको बाद में एक 10 की कमाई में इन्वेस्टमेंट पिक भी देनी है और एक एक पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी देंगे, विश्वेश जी भी देंगे और किरण जी भी देंगे। और हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आने की तैयारी है, ये भी आज हो सकता है जल्दी आ जाए क्योंकि स्टॉक तो मेरे रडार पे आ रहे हैं, तेजी के मार्केट में मुझे स्टॉक जल्दी मिल जाते हैं, तो वो सब शुरुआत करते लेंगे। उससे पहले पीडी लाइट पे एक बार अविनाश जी अपनी राय दे दीजिए आप। इनफैक्ट अनिल जी, पीडी लाइट में हमको लग रहा है कि हालांकि पहला क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नरम जरूर था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY19 में बहुत वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन्स की बढ़त होने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि ये ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पर ये एक मार्केट लीडर है और प्राइसिंग पावर सिग्निफिकेंट है, तो अगर किसी को निवेश करने की पोजिशन बनानी है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अराउंड 1120-1130 भी अगर स्टॉक गिरता है, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, बट डेफिनेटली इसमें एक 25-30% की अपसाइड इन द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स पॉसिबल है। ओवरऑल वैल्यूएशंस डेफिनेटली इसके ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चलते रहे, आगे भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल है यहाँ पे करीबन 15-20% का अपसाइड एटलीस्ट नेक्स्ट 12-15 मंथ्स में पॉसिबल है। तो ये है राय आपके लिए पीडी लाइट में। आइए 10 की कमाई में अब लेते हैं वो एक दमदार इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, किरण जाधव जी से बजाएंगे बिगुल, चलेंगे किरण जी के पास। बताएं किरण जी, कौन सा स्टॉक है? गुजरात फ्लूरो रहेगा अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि ये जल्द ही ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में प्रवेश कर देगा। फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक चला है तो, और जो वॉल्यूम्स है वो काफी सराहनीय है और मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बहुत दूर नहीं है, 825 का है और मेरा लक्ष्य 4-digit फिगर करीबन 1 महीने के अंदर आने की संभावना है। क्या बात है कुणाल जी, आपके तो मजे हो गए, इनके मुंह में घी शक्कर अरे आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, ये बोल रहे हैं कुणाल जी। और डिम्पी की कॉल रॉक कर रही है, आपको याद होगा परसों क्लोजिंग वाले शो में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आते ही आपको बताया और बताते ही स्टॉक चल पड़ा 4-digit की राह की तरफ, 862 रुपये, ये था वो लेवल जहां पर आपको बताया गया था स्टॉक, और 885 आज हो चुका है। अब भी यहां से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर 1000 रुपये के टारगेट के लिए। विश्वेश जी, आप कुछ पोजिशनल ट्रेड दीजिए एक 10 की कमाई में, मैं बिगुल बजाकर आपके पास आ रहा हूं। माफ कीजिए अविनाश जी, अविनाश जी आपके पास आ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पिक के लिए। इनफैक्ट अनिल जी, जो इन्वेस्टमेंट पिक हमको पसंद है वो ऑटो कंपोनेंट स्पेस में है, कंपनी का नाम है महिंद्रा CI। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का रुपया का वीकनिंग हो चुका है और प्लस जिस प्रकार डोमेस्टिक मार्केट में इनका बिजनेस पोजिशनड है, हमको लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर एज वेल एज FY19 बहुत ही दमदार होगा। अगर इस लेवल से भी कोई खरीदता है तो कम से कम 18-20% की अपसाइड इन द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में पॉसिबल है। हमको लग रहा है महिंद्रा CI डेफिनेटली एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पिक।